मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जान के लाले पड़ गए हैं। अब उसे जान का डर सता रहा है। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने सईद को मारने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अथॉरिटी ने चिट्ठी में कहा है कि एक प्रतिबंधित संगठन के 2 सदस्यों को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है हाफिज को मारने के लिए। हाफिज सईद पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 30 जनवरी से लाहौर में घर में नजरबंद है। पिछले महीने ही उसकी नजरबंदी 30 दिन और यानी 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो हाफिज सईद को अपनी ही जान का अब डर सता रहा है और ये सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है पाकिस्तान सरकार से। पंजाब के गृह विभाग को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है। तो ऐसे कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है हाफिज सईद कि उसकी जान बच सके, उसकी जान को खतरा है। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग को बाकायदा चिट्ठी लिखकर हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। एबीपी न्यूज संवाददाता स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज राजपूत। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे इस मामले में अब तक क्या हुआ और आगे जिस तरह से ये गुहार लगाई गई है बाकायदा पाकिस्तानी विभाग को चिट्ठी लिखकर जो पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने लिखी है कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, इसमें क्या हो सकता है? देखिए पल्लवी, सबसे पहली बात तो ये कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन सी एजेंसी हो सकती है, कि विदेशी एजेंसी कौन सी हो सकती है, क्योंकि अगर उसमें विदेशी स्पाई एजेंसी का जिक्र किया जाता है इस चिट्ठी में, जैसा कि कहा गया है मीडिया के हवाले से, तो उससे कहीं ना कहीं शक जो होता है वो भारतीय एजेंसियों की तरफ जाता है, क्योंकि हाफिज सईद 26/11 मामले का आरोपी रहा है। लेकिन जो हमारी जो भारतीय जो एजेंसियां हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे अगर बात हुई है तो उनका साफ कहना है कि भारत की कोई भी एजेंसी इस तरह की जो कवर्ट ऑपरेशंस होती है वो इस तरह की नहीं करती है, ना ही कोई इस तरह की जो किलिंग्स है वो भारत की कोई एजेंसी कराती है। भारत की सबसे बड़ी जो एजेंसी है RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उन्होंने साफ तौर से उनके जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका कहना है कि कभी भी रॉ ने कभी इस तरह की कोई इस तरह की किलिंग्स या फिर इस तरह के कवर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वो रहती है। तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किस एजेंसी का जिक्र किया गया है, लेकिन ये बात भी जरूर है कि हाफिज सईद काफी समय से जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी नजरबंदी में रहता है। जब से उसके ऊपर आरोप लगे थे, केस चला था उसके ऊपर से, तब से ही वो नजरबंद रहता है। और खुद जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है, और जहां वो लाहौर में रहता है पंजाब पुलिस है, वो उसकी सिक्योरिटी करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, अथॉरिटी है, उसको इस बात का शक है कि कहीं हाफिज सईद के ऊपर कोई हमला या फिर उसकी हत्या ना करवा दी जाए। नीरज, काफी चौंकाने वाली बात है कि जो हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है जिसमें 166 लोग मारे गए थे, वो बाकायदा पाकिस्तान में नजरबंद भी है, तब भी पाकिस्तानी अथॉरिटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रही है। बिल्कुल पल्लवी, जहां पर वो रहता है उसका रेसिडेंस भी सब लोगों को मालूम है, लाहौर में किस कॉलोनी में रहता है, किस इलाके में रहता है, उसका एड्रेस तक भी मालूम है सभी लोगों को, वो ओपन सोर्स में है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और सबको भी ये पता है कि हाफिज सईद नजरबंद रहता है, खुद पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत है, वहां की पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वो उसको नजरबंद कहते हो कि नजरबंद रखा हुआ है उसको, क्योंकि वो पहले उसने जब JUD यानी कि जमात उद दावा जो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था उस पर बैन लगा दिया गया, उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर के नाम से एक और फ्रंट स्टार्ट किया था उस पर भी रोक लगा दी गई थी, तो उसके बाद से ही नजरबंद रखा जाता है उसको, और उसकी पंजाब पुलिस, उसकी जो पुलिस पाकिस्तान की है वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो आया है नया जो इंटेल अलर्ट, जो पाकिस्तान की जो टेररिज्म एजेंसी है, एंटी टेररिज्म एजेंसी है, उसने ये कहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है किसी विदेशी स्पाई एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने उसको किलिंग्स के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कहा है। और पाकिस्तान के ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से किसी को ये पैसा दिया गया है, करीब 8 करोड़ रुपए की जो बात की गई है वो दिया गया है मारने के लिए, उसी के लिए, उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कहा है जो नेशनल टेररिज्म एजेंसी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, नेशनल एंटी टेररिज्म अथॉरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस सारी जानकारी के लिए। हालांकि ये नहीं साफ हो पाया है कि ये विदेशी खुफिया एजेंसी
कौन सी है जिसने हाफिज सईद को मारने का प्लान बनाया है और बाकायदा 8 करोड़ रुपए इसके लिए दिए भी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक अथॉरिटी ने चिट्ठी में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन के 2 सदस्यों को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया हाफिज को मारने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।